नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वॉयलर ड्राफ्ट। वॉयलर ड्राफ्ट एक सिंपल टॉपिक है। यदि जो यहां पर मैं समझा रहा हूं आप ध्यान से सुन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहां पर जो वॉयलर ड्राफ्ट लिखा है यह कोई मशीन नहीं है। पहली बात आप लोग क्या समझ गए, वॉयलर ड्राफ्ट एक मशीन नहीं है, न ही किसी मशीन का कंपोनेंट है। पहले क्या समझे आप लोग, यह कोई मशीन नहीं है, न ही किसी मशीन का कंपोनेंट है। तो फिर दिमाग में आता है कि फिर क्या है। तो जो बॉयलर ड्राफ्ट है एक प्रोसेस है। बॉयलर ड्राफ्ट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बॉयलर है इसके अंदर जो कोयला जलता है उसके लिए एयर को सप्लाई करना, कोयला जलता है उसके लिए एयर को सप्लाई करना, और जो बॉयलर के अंदर जली हुई गैसें हैं, बॉयलर के अंदर जो जली हुई गैसें हैं उनको चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में बाहर भेजना, चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में बाहर भेजना जली हुई गैसों। पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी प्रोसेस है तो किस टाइप की प्रोसेस है, कि जो हमारे बॉयलर के अंदर कोयला जलता है उसको एयर सप्लाई करना, फिर जो यहाँ पर जली हुई गैसें होंगी उनको चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर भेजना। तो ये प्रोसेस होती कैसे है इसको हम लोग एक डायग्राम यहाँ पर लिया है मैंने, इसके थ्रू समझते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे यह प्रोसेस कैसे डन होती है और कहाँ पर होती है। याद रखें हमें बॉयलर के बारे में नहीं बताना है, लेकिन बॉयलर के बारे में पता होना चाहिए तभी ये प्रोसेस समझ में आएगी। जैसे कि बॉयलर है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वाटर से स्टीम को जनरेट करना, मतलब वाटर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उससे स्टीम जनरेट होती है जिसे हम भाप बोलते हैं। लेकिन वाटर को गर्म कैसे करते हैं, उसके लिए हम कोयला वगैरह जलाते हैं जो आपने सुना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉयलर मैंने मान लिया, फर्नेस है इसमें नीचे, या इसमें देख रहे हैं ग्रेट बनी है। इस ग्रेट पे क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है। ये ग्रेट है, इसमें क्या रहते हैं, बीच बीच में होल रहते हैं जहां से एयर सप्लाई होती है, और ये हमारी एयर है जो हमारी कोयला है वह अच्छे से जलने लगता है। जैसा कि आपने घरों में देखा होगा, जो आपको चूल्हा वगैरह कभी देखा हो उसमें क्या करते हैं, यदि हम किसी फैन से या हम अपने मुंह से हवा को उसमें सप्लाई करते हैं तो वह अच्छे से जलने लगती है। यही कंसेप्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर कोयला जल रहा है यदि हम बाहर से एयर सप्लाई कर दें, बाहर से एयर सप्लाई कर दें इसको, तो ये कोयला है यह और अच्छे से जलने लगता है और जो फ्लू गैसेस हैं वह ऊपर को जाने लगती है, जिससे जो वाटर वहां पर गर्म हो रहा है वह और अच्छे से गर्म होने लगता है और अच्छी उसको एनर्जी मिलने लगती है। तो एक तो इस काम के लिए हम एयर सप्लाई करते हैं, और इसके अलावा अब जो जली हुई गैसें हैं उनको भी बाहर भेजना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एयर यहाँ पर सप्लाई हो रही है, जो एयर सप्लाई हो रही है उसके माध्यम से, इसके अलावा जो हम चिमनी यहाँ पर जो लगी हुई चिमनी दिख रही है, चिमनी लगाते हैं इसलिए जिससे हमारी जो जली हुई गैसें वह बाहर नॉर्मली निकल सके। लेकिन निकलती कैसे है, तो आप लोगों ने चिमनी की हाइट देखी होगी जो यहाँ पर दिख रही है, बहुत लंबी बनी रहती है। बाहर कहीं निकले हो आप, जहां पर आपने ईंटें वगैरह पकती वहां भी देखा होगा, कोई बहुत सारी कंपनियां हैं वहां पर भी देखा होगा, लंबी लंबी चिमनी देखी हुई। तो इस चिमनी से आपने ऊपर फ्लो गैसेस जो जली हुई गैसें वह निकलती देखी होंगी, जिसे हम धुएं के रूप में जानते हैं। क्या देख रहे हैं, धुआं बोलते, धुआं जली हुई गैसें निकलती है ना। ये जली हुई गैसें क्यों निकलती है और इसको लंबा क्यों बनाया जाता है, तो इसको लंबा इसलिए बनाया जाता है कि हम प्रेशर का डिफरेंस रखते हैं। क्या प्रेशर का डिफरेंस रखते हैं, प्रेशर का डिफरेंस रखने से जो हमारी जली हुई गैसें वह आसानी से बाहर निकलती हैं और बाहर से एयर अंदर आती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं नेचुरली जो हमारे इसके अंदर जो यहाँ बेस पे जो एयर है, जो एयर यहाँ है उसकी जो डेंसिटी है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है इसकी डेंसिटी से कम होती है। बाहर जो एयर है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो बाहर एयर है इसकी जो डेंसिटी है वह अधिक होती है, जबकि इसके अंदर जो एयर है चिमनी के बेस में उसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है। इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारी बेस है चिमनी का, यहाँ पर जो प्रेशर है, जो बेस है यहाँ पर जो एयर का प्रेशर, याद रखें एयर प्रेशर ये क्या होता है, कम होता है। और चिमनी के बाहर बेस में देखें एटमॉस्फेयर में, बाहर की बात कर रहा है, यहाँ पर
यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पर जो एयर है एटमॉस्फेयर में, इसका जो यह क्या, इसका जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, यह कैसा होता है, अधिक होता है। मतलब प्रेशर डिफरेंस होता है चिमनी के अंदर बीच में कम होता है, एयर का प्रेशर चिमनी के बाहर बेस के पास एटमॉस्फेयर में वहां पर प्रेशर अधिक होता है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो हमारी एयर है वह बाहर की ओर जाती है। कहाँ बाहर की ओर जाती है, नेचुरल तरीके से। और जब ये एयर बाहर की ओर जाएगी, और तो प्रेशर डिफरेंस है क्योंकि अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर की एयर अंदर की ओर आने की कोशिश करेगी, बाहर की एयर अंदर की ओर आने की कोशिश करेगी। इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती है, और जो हमारी जली हुई गैसें हैं वह बाहर निकलती हैं चिमनी के थ्रू, और जो फ्रेश एयर है वह अंदर आती है, इससे हमारी फर्नेस के अंदर कोयला है वह आसानी से जलता है। अब ये दो टाइप्स की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस क्या होती है, नेचुरल, जिसे हम नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। तो वह जब नॉर्मली चिमनी का यूज करते हैं, चिमनी के थ्रू नेचुरल तरीके से जो हमारी फ्लो गैसेस, जो जली हुई गैसेस वह बाहर निकलती हैं, वह क्या होती है, नेचुरल हमारी ड्राफ्ट होता है। दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट या आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। आर्टिफिशियल ड्राफ्ट या मैकेनिकल ड्राफ्ट में हम लोग यूज करते हैं, जो ब्लोअर वगैरह देखे होंगे, फैन वगैरह आपने सुने होंगे, ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे फोर्स्ड ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, इन दोनों को और नेचुरल ड्राफ्ट को हम सेपरेट सेपरेट वीडियो में समझाने वाले हैं, तो उसके अंदर आप समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा विद डायग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स।